प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पीएम का आभार जताया। गृहमंत्री ने उपचुनाव पेट्रोल डीजल और दूसरे मामले को लेकर कांग्रेस को घेरा, साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कमलनाथ ने अरुण यादव को ट्वीट करने लायक छोड़ा है, वो उन्हें हाशिया पर ले रहे हैं। वास्तव में जो नारा दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबको आवास, और कल उन्होंने जो योजना प्रारंभ की उस योजना में ये तय हो गया कि अब हर व्यक्ति जो गांव के अंदर रहता है और एक लंबे समय से जो अपने मालिकाना हक के लिए लड़ाई लड़ रहा था उसको जमीन का मालिकाना हक प्रधानमंत्री जी ने कल दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बहुत उनका आभार कर दी। विचार तो उनका करना चाहिए, बेचारे अरुण यादव जी ने कहा था कि किसी नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनने खंडवा में 70 वर्षीय नौजवान को टिकट दिया है। कवर्धा में सांप्रदायिक स्थिति है तनाव की, वहां जाने का समय नहीं है वहां के मुख्यमंत्री को। चार आदिवासी हमारे जो छत्तीसगढ़ में मर गए उनके लिए एक पैसे की भी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, घर की खाड़ खरखरी लागे बाहर की लगे मीठी। हिंदुस्तान का किसान समझता है कि ये राजनीतिक चोचलेबाजी है, आप अपने प्रदेश को न राजनीतिक रूप से संभाल पा रहे, न धार्मिक रूप से संभाल पा रहे, न आर्थिक रूप से संभाल पा रहे, और 50-50 लाख वहां दे रहे हो। कांग्रेस जमीन तलाश रही है उत्तर प्रदेश में जो उसे मिलना नहीं है। बहुत जल्दी ये भ्रम भी दूर होगा, चाहे छत्तीसगढ़ के जाएं चाहे पंजाब के, कि कांग्रेस को अधिकार कहां से आ गया पेट्रोल डीजल पे। इन्होंने घोषणा पत्र में अपने में लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पेट्रोल डीजल कम कर देंगे, और इन्होंने ही मैंने उल्टा किया। जब इनकी सरकार 15 महीने रही तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, हमने थोड़ी बढ़ाए, उसी समय के बढ़े हुए मध्य प्रदेश के अंदर दाम, हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। कमलनाथ जी जो बढ़ा के गए थे वही बढ़े हुए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला